What's up? Welcome back to another vlog. This is Shubham Subs and today I am starting this vlog very late क्योंकि अक्सर मैं vlog पिछले कुछ दिनों से सुबह से शुरू कर ले रहा था बट आज लेट हो गया और अभी मैं हूँ कोतरा रोड में. काफ़ी दिन बाद आया हूँ और यहाँ पर मैं KYC करवाने आया था. मेरे साथ अभी अमन भैया और उधर रौनक है. वो भी उसका भी कुछ पेटीएम में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो रौनक गया हुआ है उधर. तो मैं इन दोनों के साथ हूँ. अभी अमन भैया के साथ थोड़ा घूमते और कुछ एक्साइटिंग करते हैं. नहीं आ रही होगी एंड दिस मीटिंग वॉज रियली वेरी अनएक्सपेक्टेड. काफ़ी दिन बाद लग रहा हूँ और इसका भी एग्जाम ख़त्म हो गया. मेरा शुरू होने वाला है तो हम मज़े में हैं. ये मज़े में हम सजे में. चलो चलते हैं. पता नहीं क्या हो रहा है. सभी लोग अनएक्सपेक्टेडली मिले जा रहे हैं. पहले अमन भैया, फिर रौनक और अब प्रांशु भैया. तो इस व्लॉग का नाम है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स. थंबनेल का शॉट मिल गया. कुणाल को भी आते हैं. देखो नाइट आउट टॉप कर सकते हो. हम तो नहीं कर सकते. चलो घूमेंगे. कब से घूम तो सकते हैं थोड़ी देर. शाम को घूम सकते. नाइट आउट वाला सिस्टम नहीं आएगा. PCR बैठाएगा. चलो बेटा नाइट आउट कर लो. ये टीका मुझे कई लोग पूछ रहे इतना लंबा टीका क्यों लगाया. तो ये टीका जो है ना, ये एक पंडित जी आए थे वो फटाक्ष लगा के चले गए. हमको नहीं पता क्यों लगाए लेकिन लगा तो जरूर दिए. बस लगा के चले गए. इनको नहीं लगाए. घर वाले देखते हैं सब लोग. कैसे गाली दे रहे भाई. चलो अमन भैया टाटा बाय बाय गुड नाइट. तो गाइस कल अमन भैया को छोड़ने के बाद आज पूरा दिन ब्लॉग नहीं किया. फिर से रेगुलर बनते जा रहा हूँ. लेकिन अभी एक चीज़ है जो आप लोग अभी देख रहे हो मेरे हाथ में, ये सैमसंग का लेवल यू. तो आप लोगों ने कमेंट भी पढ़ा होगा जो कि सनी ने किया था और सनी इधर यहाँ खड़ा है. ये अभी उसने सैमसंग लेवल यू खरीदा है एंड इसकी फरमाइश पे ये वाली वीडियो बना रहा हूँ. सैमसंग लेवल यू वर्सेज मिवी कॉलर. ठीक है तो बताते. तो गाइस अभी हम लोग आ गए अनबॉक्सिंग करने. मैंने क्या किया है कि मैंने मिवी और सैमसंग लेवल यू का कंपैरिजन वीडियो बनाना है. इसने कहा है तो अपन बनाएंगे. और ये वीडियो पूरा टेक्निकल होने वाला है तो अगर आप लोगों को देखने का मन है तो आप लोग देखो, नहीं है तो ठीक है. तो सबसे पहले दोनों के प्राइस की बात करें तो ये कुछ कितने में लिया तू 22, ये 2200 रुपये का और ये 3000. मैंने जब लिया था 3200 का था. तो 2200 और 3200 यानी 1000 रुपये का डिफरेंस है. अब बॉक्स कंटेंट देखते हैं. मिवी का मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, अभी लेवल यू का देखें. ठीक है तो कुछ और इसमें क्विक स्टार्ट गाइड है किसकी छोटी सी और ये कुछ ईयरबड्स वगैरह एक्स्ट्रा. और अब निकालते हैं सैमसंग लेवल यू. तो सैमसंग लेवल यू ये है अपना Samsung Level U. इसमें मुझे इसका डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया, इसका कलर काफी ज्यादा पसंद आया. तो अब एक बार इसे देखते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी, इसका जो मेटल है, जो इसकी फिनिशिंग है वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी. इसके जो बटन्स हैं वो थोड़े टाइट हैं. तो मैं पहले इसकी तारीफ करता हूँ फिर बाद में दोनों का कंपेरिजन करता हूँ. ठीक है तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे. इसकी रिंग्स भी ठीक ठाक ओके और ठीक है. ये प्राइस वाइज देखा जाए तो ठीक है. बटन्स भी इसके ठीक है, पहनने में भी ठीक है. हाँ शोल्डर में आ रहा है पूरा एकदम, कॉलर बोन पे आ रहा है तो ठीक लग रहा है. पर अब अपन खोलते क्या मीवी कॉलर. ठीक है तो मीवी कॉलर खुलता कुछ ऐसे जैसे कि फोन खुलता है. मोटर लगाया अंदर. ठीक है मीवी और ये उसकी पैकिंग आती है मीवी की. ईयरफोन अपन को ट्रेन ही निकालना पड़ता है, इसके अंदर ही रहता है. ये इस तरह से मीवी निकल जाता है. निकलना पे हाँ ये निकल जाता है. तो बाकी जो चीजें हैं वो ये डब्बे उठाने के बाद है. तो इसमें इसका चार्जिंग केबल और कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स दिए हैं और मैनुअल. ठीक है तो जैसे कि उसमें ये यहाँ पे होता है और यहाँ पे मीवी में यहाँ पे होता है, उसमें नहीं होता. उसमें आप ईयरफोन्स को आप यहाँ पे अटैच नहीं कर सकते, इसमें आप अटैच कर सकते हो. ठीक है और रही बात कान में डालने की, तो ये छोटे से ये पूरे कान के अंदर घुसते तो कान में दर्द देने लग जाएगा अगर आप कुछ महीनों तक इसे कंटिन्यू यूज करोगे जैसे मुझे अभी देता है. तो ये चीज थी इसकी एक कमी. बाकी बटन्स वगैरह सब बढ़िया है, सब चीज ठीक है. इसमें एक कमी थी, इसमें दो कमी है कि इसका कलर वलर मुझे पसंद नहीं आया और ये पूरा कान में चुभता है तो पसंद नहीं आता है.
ठीक है, ये चीज मुझे इसमें पसंद आ गई, इसकी आवाज जो है वो मीवी कॉलर से बहुत अच्छी है, ये चीज पसंद आ गई मुझे, इसकी आवाज में बहुत दम है, ये काफी ज्यादा इसका आवाज क्या है एक्चुअली, ये जो ईयरबड्स है आपको इधर से तो आवाज सुनाई देती है सामने से, साथ ही साथ इधर से भी देती है, तो जो वाइब्रेशन आता है ना काफी अच्छी लगी मुझे इसमें, ये चीज इसमें खासियत है। तो देखा जाए अगर प्राइस वाइज तो मीवी को थोड़ा महंगा बताता हूँ, और मीवी का कंफर्ट है, इसका कंफर्ट नहीं है, बस ये चीज है, बाकी हर चीज में ये और मीवी आपस, मतलब अगर मीवी यहाँ है तो ये भी यहाँ है, बस मीवी का एक पॉइंट प्लस है कि उसमें थोड़ा कंफर्ट है, इसमें थोड़ा कंफर्ट नहीं, मतलब मैं जब मीवी को पहनता हूँ ना तो इट्स ओके, उसकी पूरी बॉडी है तो मैं इसको इतना भी कर सकता हूँ बट उसको इतना नहीं कर सकता, मीवी को मैं इतना फैला भी सकता हूँ बट उसे नहीं कर सकता। तो एक चीज है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, और कंफर्ट इसका ज्यादा है उसका कम है, बस यहाँ पे मीवी और ये, बाकी देखा जाए तो ये 1000 रुपए की चीज नहीं, तो तूने जो परचेस किया है वो काफी ज्यादा अच्छा परचेस किया, नाइस परचेस।